किया जा चुका है, घोड़ा पछाड़ ये सांप है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए वो किस तरीके से अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। काफी गुस्से में भी जरूर दुख रहा है और काफी देर से, लगभग आधे डेढ़ एक घंटे से भी देर तक जो है होल में घुसा हुआ था। फाइनली इसको बाहर निकाल दिया गया है जेसीबी से, हालांकि खुदाई भी करवाई गई, मिट्टी को भी एक तरफ लगवाया गया, उसके बाद टॉर्च की मदद से डंडों लाठियों को बांध के आपस में इसको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। और अभी गेहूं विहार के एक घर के लोन में पिछले 3 दिनों से ये देखा जा रहा था। इसके साथ एक और सांप भी है जिसके लिए अभी सर्च अभियान चलाया जाएगा, उसको भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद सूचना जो है वो स्नेक मैन सतीश फफड़ाना जी को दी जाती है। 2 सांप गेहूं विहार में देखे जाते हैं और सतीश फफड़ाना जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच जाते हैं और दोनों सांपों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गेहूं विहार के ये कोने वाले घर में जो है सांप देखा जाता है। उसके बाद शिकायत जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके द्वारा दी जाती है और उसके बाद जो स्नेक मैन है हरियाणा के सतीश फफड़ाना जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ जो है प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है 2 सांप देखे गए हैं जिसमें से एक के घोड़ा पछाड़ होने की आशंका जताई जा रही है। और अक्सर पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कुछ दिन पहले भी एक जोड़ा सांपों का पकड़ा गया था, क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला है तो अक्सर ये सांप जो है मेटिंग करने के लिए होते बाहर निकलते हैं, तो अक्सर जो है जोड़े के रूप में इनको देखा जाता है। अभी फिलहाल एक जो है उसे इस पाइप में होने की आशंका जताई जा रही है। इन लोगों का कहना है जो यहाँ पे टीम पहुंची हुई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर जो है उसको घुसे हुए देखा गया था और मैले से रंग का सांप है और काफी लंबा वो सांप है। और दूसरे वाले की आशंका वहां कहीं पीछे होने के लिए जताई जा रही है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है वो प्रयासों में जुटी हुई है और किस तरीके से जो है निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिनके द्वारा जो है सांप को देखा जाता है, जिनके द्वारा शिकायत दी जाती है, जिनका घर है यहाँ पर, एक बार उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपने देखा था किस वक्त की बात है? ये 1:30 1:30 बजे के आपके घर में था सर? नहीं, बाहर था, बाहर लान, बाहर वरांडे में। अच्छा, लॉन एरिया में था। तो कितने सांप देखे आपने? दो देखे थे। तो क्या काफी लंबे सांप थे? एक लंबा है, एक 1.5 मीटर का। अच्छा, तो क्या रंग था? रंग सांवला है, सांवला। सांवले रंग के 2 सांप देखे थे। उसके बाद क्या कहते, वो मतलब वहाँ पे हिल डुल रहे थे या क्या? हाँ, हिल डुल रहे थे, एक अच्छा। एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। तो जैसे खुला एरिया तो यहाँ तो होता है कि अक्सर ही इस तरीके से सांपों को देखा जाता होगा। हाँ, काफी मतलब 3-4 दिन से यहीं घूम के रहा। अच्छा, 3-4 दिन से देख रहे हैं आप उन दोनों सांपों को। तो आज आपने सूचना फिर सतीश फफड़ाना जी को दी। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरीके से 1 बजे के करीब जो है 2 सांपों को देखा रहता है। और जैसे मैं बता रही थी कि मैले रंग के सांप हैं और किस तरीके से वो यहाँ पे जो है लॉन एरिया में घूम रहे थे, एक के ऊपर एक बैठा हुआ था। उसके बाद सूचना जो है स्नेकमैन सतीश फफड़ाना जी को दी जाती है और वो मौके पर पहुंच जाते हैं और दोनों सांपों को निकालने का प्रयास यहाँ पे जो है टीम करती हुई नजर आ रही है। एक सांप जो है उसकी आशंका जताई जा रही है कि वो यहाँ कहीं पाइप में ढूंढने का प्रयास जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घुसकर टॉर्च की मदद से जो है सांप को ढूंढने का प्रयास करते हुए सतीश फफड़ाना जी नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कितना वक्त लगता है सांपों को ढूंढने में। पहले भी हम आपको अक्सर जो इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं और अक्सर अपील की जाती है करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कि अपने आसपास थोड़ी सफाई रखा करें, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे अक्सर जो है सांप आ जाते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है तो सांप आ जाते हैं और बहुत लोग गलती करते हैं कि सांपों को जो है खुद ही पकड़ने का प्रयास करते हैं और वो अटैक कर देता है डर के मारे, जिसके बाद वो काट लेता है और कई बार जो है दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं उसके चलते। तो अपील करूंगी कि अगर इस तरीके से, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है और अगर आपके आसपास गंदगी है, कई बार कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो थोड़ा सजग रहिए। आपको भी अगर कहीं सांप दिखता है तो आप कॉन्टैक्ट करें जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ट्रेंड स्नेकमैन होते हैं उनको, जैसे सतीश फफड़ाना जी हैं। वो अब तक मैं बताना चाहूंगी कि 40,000 से ज्यादा सांप पकड़ चुके हैं। आए दिन इस तरीके की खबरें जो है हम भी दिखाते हैं जब करनाल के अलग अलग हिस्सों में सांप देखे जाते हैं। कई बार गंदगी बहुत ज्यादा होती है तो रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, कई बार मौसम की वजह से, कई बार कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो घुस जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि सतीश फफड़ाना जी को सांप पकड़ते कुछ वक्त पहले जो है चोट भी लगी थी, वो पहली मंजिल से नीचे गिर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी तरीके से समाज के कार्यों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी की मशीन यहाँ पे बुलवाई गई है ताकि यहाँ पे खुदाई कराई जा सके। और आप देख सकते हैं कि कुछ खुदाई तो खुद ही जो टीम है स्नेकमैन की वो करती हुई नजर आ रही है, उसके अलावा खुदाई के लिए यहाँ पे जेसीबी को बुलाया गया है, क्योंकि सांप जो है वो अंदर कहीं ना कहीं जो गड्ढे हैं उसमें घुस के बैठा हुआ है और उसको निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। हालांकि टॉर्च की मदद से और खुद हाथों से और अलग अलग जो है शस्त्रों से भी जो है खुदाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सांप जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। एक सांप तो छुप के बैठा हुआ देखा जा चुका है और दूसरे सांप के बारे में तो अभी तक कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा
पाया कि वो कहाँ पे जो है लॉन से एकदम भाग के छुप जाता है। तो जेसीबी की मदद से यहाँ पे जो है खुदाई करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मिट्टी उठा के जो है दूसरी तरफ रखी जा रही है ताकि थोड़ा ये एरिया खुला होगा, तो उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि सांप आखिर कहाँ पे जो है छुपा हुआ है। और इससे पहले भी जब इस तरीके से सांप पकड़े जाते हैं तो उसको जंगलों में जाके जो है छोड़ दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सतीश फफड़ाना जी जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खुदाई जेसीबी की मदद से करा दी गई है और अब आप देख सकते हैं कि टॉर्च की मदद से जो है होल में देखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसी गड्ढे में जो है आशंका जताई गई थी। आखिरी बार जो है घोड़ा पछाड़ सांप को देखा गया था, मैले रंग का वो सांप है और काफी लंबा सांप भी बताया जा रहा है। और घोड़ा पछाड़ उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी से अटैक करता है, उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है। हालांकि वो पॉइजनस सांप नहीं होता, ना ही जहरीला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डर के मारे कई बार अपने आप के बचाव में जो है अटैक जरूर करता है। तो जेसीबी की मशीनों से यहाँ खुदाई कराई जा रही है और आप देखेंगे एरिया भी आसपास का काफी खुला है, काफी हरा भरा एरिया है। गेहूं विहार की तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जहाँ 1 बजे के करीब 2 सांपों को देखा गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लाठी से दूसरी लाठी को बांधकर जो है होल में उसको डालकर जो है सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सांप के लिए सर्च अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है गेहूं विहार में। 1 बजे के करीब 2 सांप यहाँ पे देखे गए थे और उसमें से एक जो है उसे देख लिया गया है इसी होल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि लाठियों को घुसाया जा रहा है। यहीं पर कहीं ना कहीं जो है उस सांप को देखा गया था। घोड़ा पछाड़ सांप होने की आशंका जताई जा रही है और उसी के साथ जो है खुदाई यहाँ पे कर दी गई है। और दूसरे सांप को ढूंढने के लिए भी जो टीम के बाकी जो सदस्य हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखते हैं कितना वक्त और लगता है, क्योंकि लगभग आधे घंटे से जो है यहाँ पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आधे घंटे से जो है सांपों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जेसीबी की मदद से खुदाई कराई जा रही है और जिस होल में जिस छेद में जो है सांप के छुपे होने की आशंका जताई जा रही थी उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है, एक तरफ लगा दिया गया है ताकि पता चल सके कि सांप आखिर कहाँ है। क्योंकि बहुत प्रयास किया गया डंडे लाठियों को एक दूसरे से बांध करके अंदर तक उसे डाला जाए और सांप को बाहर निकाला जाए, टॉर्च की मदद से देखा जाए, लेकिन कुछ भी जो है काम नहीं आया और सांप जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद फिर से जेसीबी की मदद से जो है खुदाई करवाई जा रही है और सतीश फफड़ाना जी सांप को ढूंढते हुए उसका सर्च अभियान यहाँ पे जो है गेहूं विहार में चलाया जा रहा है, जहाँ पे 2 सांपों को 1 बजे के करीब जो है यहाँ के लोगों द्वारा देखा गया था। दिखा तेरे को बिल्कुल आपके पास पास जाके शॉट ले ले। ये रहा कॉर्नर पे चला गया, बिल्कुल मुंह दिखा रहा है, पूरी आंख पूरा गया था। ये आप देख सकते हैं कि सांप को पकड़ लिया जा चुका है, घोड़ा पछाड़ ये सांप है। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने बचाव के लिए वो किस तरीके से अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। काफी गुस्से में भी जरूर दुख रहा है और काफी देर से लगभग आधे डेढ़ एक घंटे से जो है प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सतीश फफड़ाना जी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई थी, सर्च अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन सांप को फाइनली जो है काबू कर लिया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैले से रंग का सांप है और काफी लंबा ये सांप है और किस तरीके से काफी देर तक जो है होल में घुसा हुआ था, फाइनली इसको बाहर निकाल दिया गया है जेसीबी से। हालांकि खुदाई भी करवाई गई, मिट्टी को भी एक तरफ लगवाया गया, उसके बाद टॉर्च की मदद से डंडों लाठियों को बांध के आपस में इसको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। और आप देख सकते हैं कि सांप जो है गुस्से में काफी नजर आ रहा है, काफी जो है अपने बचाव के लिए जो है वो अटैक कर भी सकता है इस वक्त। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि अगर आपके घर के आसपास या कहीं पर भी आपको सांप दिखता है तो खुद पकड़ने के बजाय जो है किसी प्रोफेशनल की किसी ट्रेंड बंदे की मदद आप जरूर ले, जैसे सतीश फफड़ाना जी हैं। काफी फुर्ती है जी, अभी फुर्ती में भी और गुस्से में भी है। सतीश जी नाम क्या है सांप का? इसका रेड स्नेक है जी। रेड स्नेक है, रेड स्नेक है। और आप देख सकते हैं कि जैसे आशंका जताई गई थी कि रेड स्नेक या घोड़ा पछाड़ ये होने वाला है, वही ये सांप है और किस तरीके से इसको फाइनली जो है पकड़ लिया जा चुका है। इस समय
देखो जी, सांप में ना एक खास चीज है, लोग ये कहते हैं सांप को चोट लग जाए सांप मर जाता है, लेकिन इस सांप की पूंछ कटी हुई है फिर भी ये ठीक हो गया। ये देखो पीछे से इसकी पूंछ है ना नुकीली नहीं है, तो पहले चोटिल था ये यानी ये, हाँ पहले कभी इसकी पूंछ कटी है किसी। सतीश जी कितना डेंजरस है ये, कितना खतरनाक है ये, तो जहरीले तो नहीं है लेकिन काट लेता है, बुरी तरह ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है हाँ, गुस्से में काट लेता है बंदे को, सदमे में कुछ भी हो सकता है। तो इस समय काफी गुस्से में है ये, अभी गुस्से में है, अभी काफी ज्यादा गुस्से में है, और अगर काट ले तो आप देख सकते हैं कि सांप काफी ज्यादा गुस्से में और किस तरीके से उछलता कूदता फुर्ती में पूरे नजर आ रहा है अपने बचाव के लिए। अगर इस वक्त कोई अनट्रेंड बंदा हो तो ये काट भी सकता है। हालांकि जो घोड़ा पछाड़ा रेट स्नेक है वो कहीं ना कहीं जहरीला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अटैक के लिए अगर वो काट ले तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कैसे फुर्ती के साथ वो हिलता हुआ नजर आ रहा है अपने बचाव के लिए, और बहुत मुश्किल के बाद, बहुत वक्त के लगातार निरंतर प्रयासों के बाद जो है उसको काबू किया गया है। घोड़ा पछाड़ ये सांप है जिस तरीके से आशंका जताई गई थी, गेहूं विहार के एक घर के लोन में पिछले 3 दिनों से ये देखा जा रहा था। इसके साथ एक और सांप भी है जिसके लिए अभी सर्च अभियान चलाया जाएगा, उसको भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद सूचना जो है वो स्नेक मैन सतीश फफड़ाना जी को दी जाती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांप को जो है अब एक थैले में डाल लिया गया है। इसके बाद इस तरीके से जो भी स्नेक मैन जो है अपनी टीम के साथ सांपों को पकड़ते हैं उसको जो है अक्सर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। लगी इसे काबू पाने में, काबू पाने में भी देर लगी और जी हमें आने में भी देर लगी, दोनों ही बात होगी। तो सर एक ही है, कितने सांप? क्योंकि जब मैं इनका फोन गया ना, मैं सफीदो था, सांप पकड़ा था अंटा गाँव में, और उससे पहले उड़लाना से पकड़ा था, और फिर ये देखो जी फिर रास्ते में फाटक भी बंद पा गया मैं बंडी के पास वाली, तो फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर ये बोले भाई अब तो रास्ते में फोन आ गया था इनका, ये बोले भाई सांप तो चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं सर, अब तो आ गए सर्च कर लेंगे। फिर हमने पूरा अंदाजा लगाया सारा, फिर यहाँ निशान मिले, फिर हमने वहाँ से पाइप के अंदर से सर्च करना शुरू किया था, सभी के जो ढक्कन है खुले हुए हैं, तो फिर यहाँ के हमें सांप नजर आया। फिर एक ही है अभी, एक तो अभी पकड़ लिया, दूसरे को तो ढूंढेंगे ना। अच्छा अभी दूसरा है। भी है ऐसा बता रहे हैं जी, दूसरा भी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मतलब दूसरा है। हाँ क्यों नहीं है, दोनों घोड़ा पछाड़ी है सर। हाँ दोनों, इन्होंने बताया भी घोड़ा पछाड़ी है, क्योंकि ये आपस में लड़ाई चल रही थी इनकी, और अगर लड़ाई है तो कोबरा जैसा सांप तो इसको खा लेता। हो सकता है कि जोड़ा हो। हाँ जोड़ा हो सकता है, आजकल तो 1 महीना से लगातार हमें जोड़े ही मिल रहे हैं। अभी छात्र से भी फोन आया, वहाँ भी 2 सांपों की लड़ाई चल रही है, और कल भी हमने गुवाना के पास रिवाड़ा गांव से भी 2 सांप पकड़े थे। तो आजकल मेटिंग सीजन चल रहा है सर, इस हाँ मेटिंग सीजन चल रहा है, इस वजह से। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर जिन लोगों को इस तरीके से सांप या उनका जोड़ा मार देते हैं? नहीं सांपों को तो ना मारें, इनको भी पर्यावरण के लिए बचाना जरूरी है। जब हम इतनी दूर से आ रहे हैं और हमारी कोई खास फीस भी नहीं है, हम कोई चार्ज भी नहीं करते, बस जो गाड़ी का तेल पानी का खर्चा वही लेते हैं, और जब हम इतनी हिम्मत करके इतनी पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं और सांप को ढूंढ भी लेते हैं, तो फिर जिसके आसपास मोहल्ले में सांप है तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। सर जहाँ गंदगी होती है वहाँ अक्सर सांप देखे जाते हैं, क्या कुछ जो है दर्शकों को बताना चाहेंगे? कि आजकल है ना ये देखो लू चलनी बंद हो गया, बूंदाबांदी का मौसम है, हवा में नमी हो गया, तो इस वजह से इनकी स्किन को कोई खतरा नहीं, ना तो सर्दी है ना तो तपती धूप है, तो इस वजह से ये निकल रहे हैं, इनका मौसम है, सर भी कलेक्ट करते हैं। आपका कोई नंबर जो कोई बुलाना चाहे? हमारे जी 2 मोबाइल नंबर है, 9255130130, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9355130130। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए सांप के बारे में तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा। और आपको मैं एक और खास चीज बता दूं, पानीपत में हमें एक ऐसा सांप मिला था कि जो हमें 12 साल बाद मिला था, सूरजमुखी सांप, और एक सांप हमें करनाल से मिला है, कर्ण विहार से, वो पहली बार मिला है, कभी देखा ही नहीं, कॉमन क्रेट, लेकिन दिखता कोबरा जैसा है, उसके ऊपर कोई भी दारी नहीं है। अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान दे तो एक मतलब जीव के बारे में एक अलग से जानकारी होगी। हम खुद हैरान थे भाई ये ऐसा सांप, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल काले रंग का था भाई, काले रंग का, तो फिर जब हमने देखा वाकई काले रंग का, हम सोच में पड़ गए ये कोबरा है या कॉमन क्रेट, सारी चीज़ उसकी कॉमन क्रेट जैसी हरकतें, लेकिन वो कॉमन क्रेट ही था लेकिन उसका कलर अलग चेंज हो गया, धारी नहीं थी शरीर पे उसके। तो एक ये थोड़ा सी प्रजातियां सामने आ जाती हैं, तो हाँ, देखो जमीन से जुड़े तो काम हम ही करते हैं ना, हम सही पता चलेगा वैज्ञानिकों को भाई किस एरिया में कौन सा सांप है। जी, जी, जी। तो इस बारे में मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ भी हम जैसे लोगों के ऊपर नजर रखें, और कोई ऐसा कोई जीव स्पेशल नजर आता है तो उसको अपने अंडर ले और उसके ऊपर शोध करें, जानकारी ले, लोगों को जानकारी दें, जानकारी जुटाएं। सर कुछ लोग सांपों को स्वयं पकड़ने का प्रयास करते हैं जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं बिना सीखे इस काम को ना करें, सांप तो जहरीला भी हो सकता है, अगर काट लिया तो फिर एक गलती जिंदगी की आखिरी गलती होगी।
बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरीके से गेहूं विहार में दो सांपों को देखा गया था और उसके बाद जो है दो सांपों में से दोनों की आशंका जताई गई थी कि वो रैट स्नेक या घोड़ा पछाड़ हो सकते हैं। उसके बाद लगातार लगभग एक से डेढ़ घंटे के प्रयास जो है स्नेकमैन सतीश फफड़ाना जी और उनकी टीम करती हुई नजर आई। जेसीबी की मशीन को भी बुलवाया गया, खुदाई भी की गई, टॉर्च और लाठियों को आपस में बांध के जो है क्योंकि होल में जो है सांप छिप गया था उसको बाहर निकालने का प्रयास किया गया और इतने सारे प्रयासों के बाद इतने वक्त के बाद जो है सांप फाइनली बाहर आ गया। काफी लंबा मैले रंग का घोड़ा पछाड़ सांप ही वो निकला और एक और सांप होने की भी आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं यही लोन में जो है तीन चार दिनों से घूमते हुए दो सांपों को देखा जा रहा था। आज लगभग एक बजे के करीब जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक सांप के ऊपर दूसरा सांप चढ़ा हुआ था। उसके बाद सूचना दी जाती है और लगातार एक से डेढ़ घंटे के प्रयासों के बाद सांप पे काबू पा लिया जाता है। घोड़ा पछाड़ वो सांप था, दूसरा सांप भी यहीं कहीं होने की आशंका जताई जा रही है। उसके लिए भी सर्च अभियान अभी चलाया जाएगा लेकिन कुछ वक्त पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बारिश का मौसम है और अभी जैसे सतीश फफड़ाना जी ने भी बताया कि सर्दी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है तो इस टाइम जो स्नेक्स होते हैं जो सांप होते हैं उनकी त्वचा को कोई भी तरीके की जो है डर नहीं होता, हानि नहीं होती तो वो अक्सर जो है बाहर निकल जाते हैं। और इसलिए अगर आपको इस तरीके से सांप अपने घर के आसपास दिखते पहली बात तो आप सफाई रखें तो इस तरीके के जीव आपके घर के आसपास नहीं आएंगे। अगर आप भी जाते हैं खुला इलाका है तो आपको चाहिए कि आप किसी ट्रेंड इंसान की जैसे स्नेकमैन सतीश फफड़ाना जी हैं हरियाणा से उनकी मदद ले बल्कि खुद उसको पकड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि आपने देखा किस तरीके से वो इतनी फुर्ती में था अपने बचाव के लिए वो काट भी सकता था।